मैं विभावली से थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिनेमा की अध्येता हैं और उस नजरिए से आपने लंबा अध्ययन किया इस पे। 1930 से लेकर 1940-45 तक ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी जो अछूतोद्धार की बात करती हैं, जो विधवा विवाह की बात करती हैं, जो जाति के बंधनों को तोड़ने की बात करती हैं। लेकिन बात का सिनेमा बदलते जाता है और वो जो समाज को कहने की बात थी, समाज की आकांक्षाओं को कहने की बात थी या उसको एक नई दिशा देने की बात थी, उन कुरीतियों पर प्रहार करने की बात थी, तो वो हमें देखने को तो मिलता है। बीच बीच में फिल्में आती हैं, कुछ एक फिल्में आती हैं, लेकिन वो मुख्य स्वर हिंदी सिनेमा का नहीं बनता है। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि वो चीज़ें, जाति का सवाल या महिलाओं के सवाल पीछे छूटते गए और वो हिंदी सिनेमा उस तरह से कह नहीं पा रहा है? आपका जो सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआती दौर का जो सिनेमा था, शायद वो अपनी प्रयोग धर्मिता को लेकर ज़्यादा खुला हुआ था, या बाजार, जो कि अविनाश से अभी बात कर रहे थे, वो उस तरीके से हावी नहीं था। हालांकि पैसा हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है, मैंने अभी बोला भी। 1936 में जो अछूत कन्या बनती है, मुझे आज के समय में उस तरह की फिल्म जो है, या फिर जो सुजाता बनती है, या इस तरह की जो भी फिल्में जो छूतोद्धार की बात की आपने, या प्रेम विवाह जाति के बंधनों को तोड़ कर करने की जो भी इस तरीके का जो तथ्य लेकर आती हुई फिल्में हैं, उस वो मुझे लगता है वो बदला है। एक टाइम और भी आया जबकि समानांतर सिनेमा का एक दौर था जिसने सिनेमा को एक आंदोलन के बतौर इस्टेब्लिश किया। उसका कारण भी था कि NSD, FTII से लोग औपचारिक तौर पर प्रशिक्षित होकर आ रहे थे तमाम डिसिप्लिन में, जो वहाँ पर फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उस वजह से वो सिनेमा वो कर पाया जो जिसके वजह से आज वो जाना जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिनेमा फेल भी हुआ, और उसके फेल होने का जो कारण, बहुत सारे कारणों में से एक कारण पूंजी जो है, वो बहुत बड़ा रोल है उसका। आज के सिनेमा में मुझे लगता है कि अपने आप को बदला है, और खूबसूरत तरीके से बदला है। वो मिडिल सिनेमा के रूप में आ रहा है, सरकारी पैसे से बनने वाली जी, 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 बिल्कुल। उसको लेकर के वो जिम्मेदार नहीं थे फिल्म मेकर, इसीलिए वो सारे बैठ गए। और आज अछूत कन्या का जिक्र किया तुमने जी, फैंड्री देख लो, अविनाश इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा था, उसके बाद हम सत्र चर्चा के लिए खोलेंगे। आप भी जोड़, आप अपनी बात बस पूरी करूंगी, एक मिनट बस। मैं ये कह रही हूँ कि अभी का जो सिनेमा है उसने अपने आप को इस रूप में बदला है कि पूंजी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये वो समझ चुका है। जैसे सिनेमा को हम केवल हिंदी फिल्में नहीं मानते हैं, या फिल्में नहीं मानते हैं, अविनाश ने इसका बहुत लंबा अध्ययन किया, इस पर बहुत लिखा है, और मोहल्ला ने कई फिल्म के रिव्यूज किए हैं। तो जो इस कमर्शियल सिनेमा के इतर जो बाकी सिनेमा है उसकी क्या स्थिति देखते हैं आप? क्योंकि अब कई तरह के प्रयोग देखने में आते हैं, उसका क्या भविष्य आपको दिखता है? मार्केट तक पहुंचना जो विभावरी कह रही थी कि एक समस्या थी, और आपने कहा था कि वो तो सरकारी के वजह से वो बना ली गई थी, और वो कमिटमेंट की कमी शायद बाद में, मतलब तब भी शायद रही हो सकती है और बाद में तो था ही नहीं। तो अब नए प्रयोग क्या हैं, और जो पैरेलल सिनेमा या छोटा सिनेमा, मीडियम सिनेमा इसको जो हम कहते हैं, ये इसकी स्थिति क्या देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई अध्येता नहीं रहा हूं सिनेमा का, विभावरी और भूपेन सिंह और आपकी तरह, और प्रियदर्शन भैया हमारे हैं यहाँ पे उनकी तरह। आप एक नॉर्मल किस्म का प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं जी, तो अनुभवों से ही चीज़ें जो हासिल की हैं वही मैं बयान कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सिनेमा जो है टेक्नोलॉजी के आसान होने की वजह से और डिजिटल इंडिया होने की वजह से बहुत डिसेंट्रलाइज हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। पिछले दिनों उदयपुर में मैंने एक फिल्म देखी, उदयपुर में प्रतिरोध का सिनेमा में बहुत सारी फिल्में दिखाई गई थी, उसमें मेरी फिल्म थी, तो मैं भी गया था।
एक फिल्म मैंने देखी जिसका नाम था तुरुप। जाति और धर्म के सवाल पे उतनी कमाल की फिल्म जो है आज तक मैंने देखी ही नहीं। और फिर जैसे ही फिल्म वो खत्म हुई, मैंने कहा कि भाई इस, मैं रो रहा था, बहुत सारे लोग रो रहे थे उस फिल्म को देखने के बाद, और मुझे लग रहा था कि यार मतलब कहां हम ईरान की फिल्में देखते थे और इस तरीके से मुतासिर होते थे, और ये तो हमारे देश में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं और हम अनजान हैं इस तरह के सिनेमा से। तो मैंने पूछा कि भाई इसका निर्देशक कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मुझे पता चला कि इस फिल्म का कोई निर्देशक नहीं है। म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो मैंने पूछा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इसका, तो मुझे पता चला इस फिल्म का कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। तो ये प्रयोग क्या है, इसको जानने के लिए जब मैं थोड़ा घुसा और तुरुप की टीम से आए हुए लोगों के साथ घुला मिला, तो पता चला कि भोपाल में एक तारा कलेक्टिव्स करके एक ग्रुप है जो जिन्होंने तीसरी फीचर फिल्म बनाई है ये, और सब लोग दूसरे काम करते हैं जिंदगी के, नौकरियां करते हैं, जैसे एक जमाने में थिएटर किया करते थे, कोई बैंक में काम करता था, कोई टीचर था, कोई कुछ था, और शाम में इकट्ठा होते थे, रिहर्सल करते थे, थिएटर करते थे और एक नाटक करते थे तीन चार महीने के रिहर्सल के बाद। नाटकों का जो वो दौर था, आज इस तरीके से लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो इवेंट्स में बदल गए हैं, उसी तरीके से नाटक भी है इवेंट्स में बदल गए हैं, सिनेमा को भी आप उसी संदर्भ में देखें। लेकिन उसमें जो वो रोशनी मुझे दिखी भोपाल से, उसमें सब लोग अपना टिफिन लेकर के आते हैं और अपना खाना खाते हैं और फिल्म बनाते हैं। कोई दोस्त मुंबई में कैमरामैन है, उसको बुलाता है, वो फ्री में कैमरा करके चला जाता है। उसका जो साउंड डिजाइनर था, जो बाहुबली का साउंड डिजाइनर है वो था, बाहुबली और दूसरी फिल्मों के लिए वो लाखों में पैसे लेता है, लेकिन एक तारा कलेक्टिव से वो जीरो पैसे लेता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ा काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगा कि मुंबई के जो प्रोफेशनल्स हैं उससे इतर ये जो सिनेमा है, यही सिनेमा आप जिस सिनेमा की बात कर रहे हैं उस तरह के हिंदुस्तानी माहौल का विकल्प और भविष्य है, पहली बात। दूसरी बात, उस एक घटना के बाद मैंने कहा कि मेरी फिल्म जो है इस फेस्टिवल से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि मेरी फिल्म जो है इस फिल्म के सामने कुछ नहीं है। तीसरी बात, मैंने तय किया कि जब भी मैं किसी फेस्टिवल में जाऊंगा अपनी फिल्म को लेकर के उसकी स्क्रीनिंग के लिए, तो उससे पहले मैं कोई दूसरी फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि तुम अच्छी फिल्म बना रहे हैं। तो ये ताकत मैं कह रहा हूं इसलिए कि ये ताकत थी उस फिल्म की, और मैं जहां भी जाता हूं मैं उस फिल्म का, उस घटना का जिक्र करता हूं, तो एक पूरा एक पैरेलल मूवमेंट खड़ा हो रहा है, मराठी में खड़ा हो रहा है। आप अभी एक मानी फिल्म फेस्टिवल में जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, विलेज रॉक स्टार, रूमा दास नाम की एक लड़की हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई थी, दो तीन साल रहने के बाद उसको लग गया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उसने कैमरा खरीदा उस पैसे से जो उसने दो तीन सालों में कमाए थे, और अपने गांव चली गई। वो आसाम की थी, आसाम का जो उसका गांव है वो हम मतलब बहुत ही मतलब देहाती गांव है, और बाढ़ में वो घिरा रहता है लगभग चार पांच महीने तक, है ना। वहां पे 3.5 साल वो रही, उसने गांव के लोगों को ही किरदार बनाया, और हर किरदार के साथ उसने, और एक मतलब छोटे बच्चों की एक टोली जिसका सपना है कि वो अपना जो है वो बैंड बनाए, है ना, और लेकिन उनके पास संसाधन नहीं, खाने के ला गए उनके पास, तो कैसे वो गांव की चीजों से मतलब कागज से पेड़ की लकड़ियों से वो अपना बैंड बनाते हैं, उसकी कहानी है वो। तो वो जो सिनेमा है आज मतलब मामी ने तो उसको जो अवार्ड मिला, हिंदुस्तान से बाहर दूसरे तमाम बड़े बड़े फेस्टिवल्स में वो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, सिनेमा एक बहुत बड़ा साहित्य है। मैं जब यहां दून फेस्टिवल में आ रहा था तो आते ही मुझे पता चला कि कुछ लोग नाराज है कि इस फिल्म मतलब साहित्य महोत्सव में सिनेमा को क्यों घुसाया गया, लेकिन एक बड़ा औजार है और उस औजार का बड़ा असर है मतलब हिंदी समाज पे, हर तरह के समाज पे। तो सिनेमा पे बात करिए, सिनेमा पे अगर बात करेंगे, सिनेमा के लोग आपके पास आएंगे तो यहां से कुछ लेके जाएंगे। आप क्या लोगे, हम लेके जाएंगे यहां से, और यहां की चीजें वहां प्लेस करेंगे,
तो हो सकता है सिनेमा में थोड़ा बहुत बदलाव आपको नजर आएगा। इसलिए उनको आप अदरनेस की तरह व्यवहार मत कीजिए सिनेमा के लोगों को, वो पैरेलल मूवमेंट फिर खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद अविनाश।